मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अभी आलम है कि तू नहीं तेरा हम तेरी जुस्तजू भी, कि तू नहीं तेरा हम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ये जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। सही इश्क़ बे
तुम्हारे ग्रेस के, तुम्हारे जमाल के हुस्न के मेरी कोई और तमन्ना नहीं और कोई ख्वाहिश नहीं। Thank you.
बेटी प्रिया को देखी, जिसके सिर्फ जबान पर आ जाने से ही लफ्ज महकने लगते हैं, सांसें महकने लगती हैं, जहर महकने लगता है। जी जनाब निदा फाजिल साहब, देखिए उनके नाम लेते से ही चेहरों पर रूहानियत आ गई है। और हमने तो ऐसा सुना है अजय जी की आपका जो तखल्लुस है वो भी साहब का ही दिया हुआ है, तो आप बताएं। एक साहिबान ने फरमाइश की, सुना है लोग इसको आँख भर कर देखते हैं हमसे कंपोज ने, अगली महफिल में जरूर हम आपको सुनवाएंगे इसको। तो निदा साहब की एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, वृंदावन के कृष्ण का नहीं है अल्लाह हो अल्लाह हो। तो एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, बहुत छोटा बच्चा था जब मेरी 16 बरस की थी, निदा साहब हमारे शहर तशरीफ लाए थे, एक उन्होंने मुशायरा पढ़ा तो मैं उनसे मिलने चला गया और मैंने उनको एक शेर सुनाया, रोटी पे सुन के शेर वो भूखा तो चुप रहा, रोटी पे सुन के शेर वो भूखा तो चुप रहा, भरपेट खाए लोगों ने बस वाह वाह, भरपेट खाए लोगों ने बस वाह वाह की। उन्होंने मेरा तखल्लुस साहब उनके हाथों से ही लिखा हुआ मेरी डायरी में है, तो उनके ही द्वारा दिया गया है, तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। 8 फरवरी को इंतकाल फरमाया था उन्होंने, तो ये उनकी शान में हम लोग ये पेश कर रहे हैं कलाम उनका। इसमें एक शेर कहने की गुस्ताखी मैंने भी की है बीच में, तो राजेश आप सुनाएं। निदा साहब से मेरे भी कुछ बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। हमने साथ में कलम किया था जिसको ललित सेन ने कंपोज किया था, और उसके बाद